नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता न्यूज क्लिक में आपको स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ आज दीपा सिन्हा है। दीपा सिन्हा पढ़ाते हैं जो अंबेडकर विश्वविद्यालय है दिल्ली में, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इनका जो स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज उसमें फैकल्टी है और भारतवर्ष में खाद्य सुरक्षा के विषय में उन्होंने काफी चर्चा किया। उन्होंने इस विषय के ऊपर बारीकी से इनका नजर है इस विषय के वो काफी अखबार में और अलग अलग जगह में इन्होंने पढ़ाया, लेख इनका छपा है। तो आज मैं इसी विषय के ऊपर दीपा जी से बात कर रहा हूँ। दीपा जी, आपका जो धन्यवाद, आपका समय आपने दिया। इंडियन एक्सप्रेस में 26 जून आपका लेख मैं पढ़ रहा था और उसमें आपने लिखा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो कानून है, लगभग पूरा भारतवर्ष में 60% लोगों के पास आजकल राशन कार्ड है। ऐसे राज्य भी है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो ये अलग अलग अपना राज्य सरकार ये जो PDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो खाद्यान्न, जो चावल और गेहूं वितरण करने के लिए और भी ज्यादा दिया। मेरा पहला सवाल ये है, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें क्या है कि हर परिवार को या एक व्यक्ति को, ये जरा समझा दीजिए, 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलो दाल, ये 81 करोड़ लोग और इसके ऊपर और 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है, इनको सरकार ने घोषणा किया इनको मिलना चाहिए। कितने दिन के लिए मिलेगा और ठीक तरह से ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है और ये इसके ऊपर और क्या करना चाहिए, इस विषय के ऊपर आप जरा समझा दीजिए हमारे न्यूज क्लिक के दर्शक। पहली बात तो मैं इससे शुरू करूंगी, ये जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना है, इसके तहत जब नेशनल लॉकडाउन हुआ था तो मार्च के अंत में ये बोला गया था कि 81 करोड़ लोगों को, ये वही लगभग 60% लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, कि उनको जो हर महीने, वैसे तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलता है, उसके अतिरिक्त और 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, लेकिन वो मुफ्त होगा, और उसके अलावा 1 किलो दाल एक परिवार पर, वो भी मुफ्त दिया जाएगा 3 महीनों के लिए। तो अगर हम 3 महीने सोचे कि अप्रैल में ये शुरू हुआ, क्योंकि मार्च के अंत में इसका अनाउंसमेंट आया था, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए ये हुआ था, मतलब कार्यक्रम अभी खत्म होने वाले हैं। बिल्कुल, इस जून में जो बढ़ चुका है उसके बाद इसको और आगे बढ़ाने का अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आई है। मई में जब दूसरा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया था, तब तक बहुत लोग ये सवाल उठा रहे थे कि ये 5 किलो प्रति व्यक्ति जो मुफ्त में दे रहे हैं वो सिर्फ उनको दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके प्रवासी मजदूरों के बीच में, जिनके पास राशन कार्ड है नहीं, या अगर राशन कार्ड है भी तो वो अपने गांव के एड्रेस पे है और वो लोग जहां है वहां पे खाद्यान्न उनको नहीं मिल रहा है। तो उसमें बोला गया कि 8 करोड़ ऐसे प्रवासी मजदूरों को भी 2 महीने के लिए, मतलब मई और जून के लिए, सेम 5 किलो प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल मुफ्त में दिया जाएगा। तो वो भी जिसको भी दिया गया अभी खत्म हो गया है। अगले महीने से क्या होगा इस पर अभी तक कुछ आया नहीं। तो आपका कहना है सरकार को अभी कहना चाहिए कि आने वाले महीने में कहां सरकार क्या करने वाले हैं, ये तो आपने पहला बात कहा। अब एक और चीज बताइए, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो कानून है, ये जो राशन कार्ड इन्होंने वितरण किया, लगभग इसका 2011 का सेंसस, आज हम 2020 में हैं, भारतवर्ष का जनसंख्या बढ़ गया। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये खाद्य सुरक्षा कानून का जो भी लिखा है ये कानून में, राशन कार्ड फिर
आपको और लोगों को वितरण करना पड़ेगा और लगभग पूरा देश का जितना जनसंख्या है 67% यानी कि 67% लोगों को मिलना चाहिए। और साथ साथ हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी भी एक नया कार्यक्रम का घोषणा किया, एक व्यक्ति एक राशन कार्ड। वो भारतवर्ष में कहीं भी रह सकते हैं मगर वो एक ही राशन कार्ड भारतवर्ष का हर जगह में वो राशन कार्ड वो दिखा सकते हैं और खाद्यान्न मिल सकता है कहीं राशन का दुकान से। यानी कि ये पूरा जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो 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 ये जो ये जो खाद्यान्न वितरण करने का जो प्रणाली है जो जन वितरण तो ये तो इसका पूरा सरकार ने और इसको बढ़ाने का और भी बेहतर करने का कोशिश में है। तो ये विषय के ऊपर भी आप आपका टिप्पणी क्या है? ये जैसे आपने कहा वित्त मंत्री ने अनाउंस किया और उसके बाद खाद्य मंत्री भी एक बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो नया स्कीम आ रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड वाला, इससे ये पूरी जो समस्या है कि कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं वो सुलझ जाएगी और सबको राशन मिलेगी। पहली बात, ये तो कोई नया स्कीम नहीं है, ये 2 साल से ये सरकार करने की कोशिश कर रही है ये वन नेशन वन कार्ड का। और ये एक लेवल पर अच्छी स्कीम है क्योंकि ये बहुत सालों से समस्या रही है कि लोग मजदूरी पे पलायन करते हैं और जहां जाते हैं वहां पे उनको अपना राशन नहीं मिलता है। इस स्कीम को पूरे देश में चलाने के लिए जरूरत है कि हर व्यक्ति का राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ा हुआ हो और हर राशन का दुकान में जो कहते हैं ई पॉस, जो लोग राशन खरीदते हैं, बहुत राज्यों में ये शुरू हो गया है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड का मशीन होता है उस तरह की एक मशीन होती है जिसमें आप अपना अंगूठा लगाइए, वो आधार नंबर से आपको पहचानेगा और फिर आपको राशन देगा। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरे देश के हर राशन के दुकान में ई पॉस की मशीन ना आ जाए और सभी राशन कार्ड धारक के नाम उनके आधार से ना जुड़ जाए। तो ये सरकार खुद कह रही है कि पूरे देश में ये होने के लिए मार्च 2021 तक समय लग जाएगा। इसमें और भी बहुत समस्याएं हैं, उसमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अभी जो क्राइसिस है, अभी जो इतने लोग प्रवासी मजदूर वापस गए हैं, बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोगों के आमदनी कम हो रहा है, इस समय में जो खाद्यान्न देने की मदद देने की जरूरत है वो वन नेशन वन कार्ड से नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी वो है नहीं। और मैं सरकार के ही वेबसाइट में आंकड़े देख रही थी, उनके खुद के आंकड़ों के हिसाब से पिछले महीने और इस महीने में 4,000 से कम लोगों ने इस वन नेशन वन कार्ड का प्रावधान का इस्तेमाल किया है, जो बहुत ही कम है, जिससे दिखता है कि अभी तो ये जरूरत है कि लोग जहां पे है वहां पे उनको किसी तरह राशन मिले। राशन कार्ड अगर वो ना हो, कुछ भी टेम्पररी कार्ड या कुछ ऐसा कूपन का व्यवस्था करके, क्योंकि भूख की हालत अभी थोड़ी अभी समस्या है। दीपा जी, आपका लेख में आपने उल्लेख किया ये अजीम प्रेम जी जो विश्वविद्यालय है उन्होंने एक समीक्षा किया था और उनके बोला कि ये लॉकडाउन के समय में लगभग 89% जो ग्रामीण इलाका में लोग हैं और लगभग 69% जो शहरी इलाका में है, इन लोग को उन्होंने कहा कि हमें खाद्यान्न मिल रहा है राशन का दुकान से और इसमें जितने लोग हैं मतलब बिल्कुल बहुत ही कम लोग, मतलब 30% लोग कह रहे कि उनको पैसा मिल गया अपना बैंक का खाता में क्योंकि ये जनधन योजना के माध्यम से उनका बैंक का खाता में पैसा मिल गया। ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सर्वे था 19-20 का, जो आर्थिक समीक्षा था जो भारतवर्ष के जो वित्त मंत्रालय में, सब लोग कह रहे कि हमारे जो पीडीएस सिस्टम है, जो जन वितरण प्रणाली है, इसको कम होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में खाद्यान्न के ऊपर जो अनुदान है, जो सब्सिडी है, ये बढ़ रहे हैं, वित्तीय घाटा को कम करने का जरूरत है। आप देखिए, आपने आपका लेख में आपने दिखा
कि जो हमारे देश में जो खाद्यान्न के ऊपर जो अनुदान है, फूड सब्सिडी है, हमारे देश के जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इनके लगभग 0.53% या 0.59 या 59% आ रहे। फिर भी खैर सरकार कह रहे कि ये लोगों को सीधा बैंक के खाता में पैसे दे दीजिए। ये रेशन का जो सिस्टम है, जो जो ये जो जो आपका जो पीडीएस है, जो 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 खाद्यान्न वितरण करने का जो प्रणाली है, इसको कम कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। आप कह रहे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीडीएस सिस्टम को सबको मिलना चाहिए, जो अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, कि जो भी चाहते हैं वो एक राशन का दुकान में जाके चावल, गेहूं और अलग अलग चीज मिल सकते हैं। इस विषय के ऊपर और जरा विस्तार में आप समझ दीजिए लोगों को, समझा दीजिए लोगों को, आपका क्या आपका क्या राय है और क्या क्यों आप ऐसे सोच रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में जैसे आपने कहा, इस बार फिर से लिखा गया, और पिछले एक महीने में बहुत सारे अर्थशास्त्रीय भी, जैसे एक अशोक गुलाटी जी हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में बार बार लिखते रहे हैं कि जो पीडीएसएस ये वितरण प्रणाली जो है, इसमें लीकेज बहुत होती है और इसमें खर्चा बहुत है, और उसको कम करने के लिए हमें लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे दे देना चाहिए और लोग खुद ही मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश में अभी जो भूख और कुपोषण की स्थिति है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो खेती किसानी में जो समस्याएं हैं, इन दोनों के लिए पीडीएस को चला के रखना बहुत जरूरी है। पहली बात अगर हम लोगों की ही सोच ले तो लोग आज के दिन में, खास करके ग्रामीण इलाकों में, एक राशन दुकान उनके लिए ज्यादा नजदीक है और ज्यादा आसान है उस तक पहुंचने के लिए बैंक ब्रांच से ज्यादा। तो अगर जैसे कैश ट्रांसफर है और लोगों को जाना है ब्रांच से वो लेने के लिए, आने जाने पे जो खर्चा होगा उससे ही उनका जो 500 रुपए है उसमें कम से कम 100 रुपए उनके चले जाते हैं, जबकि राशन का दुकान पैदल जाते हैं, पास में है, उनको पता है, सालों से लेते आ रहे हैं और आसानी से पहुंच पाते हैं। दूसरी बात, जितना अनाज मिलता है सरकार के तरफ से पीडीएस में, और जितने पैसे अगर अनाज के रूप में देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि उतने ही दाम में गांव में ही उतना ही अनाज लोगों को मिल पाएगा। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो लोगों को बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे, फिर कहीं मार्केट में जाना पड़ेगा वो अनाज लेने के लिए, तो खर्चा उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरी बात है कि ये पीडीएस जो है सिर्फ वितरण प्रणाली नहीं है, क्योंकि ये वितरण प्रणाली है, सरकार किसानों से अनाज खरीदती भी है। जो हम न्यूनतम मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, वो किसानों को मिलता है जब सरकार उनसे अनाज खरीदती है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि अगर वितरण बंद हो जाए तो सरकार आज के दिन में जितना खरीदती है किसानों से वो भी कम हो जाएगा, जबकि दूसरे तरफ किसान मांग रहे हैं कि और भी ज्यादा खरीदी सरकार की तरफ से हो, क्योंकि उनको जो एमएसपी मिलती है सरकार को बेचने से, उससे कम दाम उनको मिलती है जब वो बाजार में सीधा बेचते हैं। तो ये अलग अलग कारण है जिसके चलते हम पीडीएस को पूरा बंद करके उसके जगह नगद पैसे देंगे तो बहुत सारे जो फायदे पीडीएस के हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। दूसरा जो सवाल उठता है कि पीडीएस पे सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है और इससे हमारी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है और ये बेकार है, वो भी अगर हम आंकड़े देखें तो हमें दिखता है कि पिछले 10 साल में पीडीएस पर ऐसा, अगर हम जीडीपी के रेशियो के हिसाब से देखें कि तो पीडीएस पर खर्चा बढ़ा नहीं है, बल्कि पिछले 3 साल में घट गया है। और घट क्यों गया है? क्योंकि एफसीआई ने खर्चा किया है, लेकिन सरकार एफसीआई को पैसे नहीं दे रही है। एफसीआई जब खरीदी है, ये फूड कॉर्पोरेशन के बारे में मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, मगर एक चीज आप और भी आपका लेख में आए हैं कि राज्य सरकार भी नहीं चाहते हैं, और केंद्र सरकार, जब राज्य सरकार को कहा कि ये आप पीडीएस की जगह डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में चले जाइए, कुछ केंद्रीय शासित छोटे छोटे इलाका में जैसे चंडीगढ़, दमन, दीव, पुडुचेरी में किया, मगर पुडुचेरी में भी लोग वहां पे विरोध किया, फिर वापस चले आएगा। मतलब ये जो आप कह रहे कि आप ये
पीडीएस से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक खाता में लोगों का पैसा दे दीजिए, ये राज्य सरकार भी नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती है। जैसे बहुत सारे चिट्ठियां हैं जो हम दिखा सकते हैं जो केंद्र सरकार के खाद्य मंत्रालय के तरफ से 2014-15 में ही राज्य सरकार उनको भेजी गई थी कि ये जो पीडीएस है इसमें बहुत लीकेज होती है, चोरी होती है, आप इसको बंद कर दीजिए और उतने नगद पैसे सीधा बैंक अकाउंट में दीजिए। किसी भी राज्य सरकार, भाजपा कभी सरकार ने आगे नहीं आया कि ठीक है हम ये कर देंगे। और फिर जब इन तीन यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया एक पायलट बेसिस में, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दमन दीव, वहां पे भी पुदुचेरी में जहाँ पे पीडीएस का बहुत पुराना एक इतिहास है तमिलनाडु पुदुचेरी में और जहाँ पे अच्छे से पीडीएस चलती है, जब पीडीएस बंद करके पैसे देने लगे तो लोगों के बीच में भी काफी विरोध हुई, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद बोला गया कि पुदुचेरी राज्य सरकार अपने बजट से जो एक्स्ट्रा देती है पीडीएस में वो पैसों के रूप में नहीं देगी, वो अनाज ही देगी। तो अभी सिर्फ चंडीगढ़ और दमन दीव दो ही जगह है जहाँ पे राशन कार्ड बंद हो गई है। और ये हम समझ भी सकते हैं, बहुत सारे जैसे 2009-10 उसके बाद चुनाव का भी मुद्दा बनता है कि राशन में कितने किलो अनाज देंगे और कितने रुपए में देंगे, 2 रुपए में देंगे, 1 रुपए में देंगे, ये सभी पार्टियां करती है। और इसलिए करती है क्योंकि उनको चुनाव के समय तो समझ आती है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं, बाद में भूल भी जाए। और इसीलिए वो भी मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन है कि लोग क्या चाहते हैं उसमें भी दिख रहा है कि लोग भी चाहते हैं कि अनाज भी मिले और पैसों का सपोर्ट, जो पेंशन है, मैटरनिटी एंड मातृत्व भत्ता है, अलग स्कीम्स है जिससे लोगों को पैसा दिया जाता है, वो भी साथ में चले, लेकिन अनाज के बदले में नगद रुपए का वाला जो स्कीम है उससे बहुत हानि हो सकती है। हमारे पास इतने चावल है, इतने गेहूं है जो हमारी जरूरत है, जो हम कहते हैं बफर स्टॉक, उसे 3 गुना से ज्यादा है। लोग याद कर रहे हैं 1943 में जो बंगाल में जो एक महामारी उस समय भी हुई थी, बंगाल में एक ग्रेट बंगाल फैमिन हम कहते हैं, जो जो जिस समय जो अकाल हुई थी बंगाल में, गोदाम में खाना था मगर लोगों को नहीं मिला। उस समय दूसरी विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरी जो विश्व युद्ध चल रहे थे। आज भी ये स्थिति है, ऐसे नहीं कि हमारे देश में लोग भूखा नहीं है, अमर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम में इतने पड़े हुए हैं, मगर आप क्यों वितरण नहीं कर पा रहे, क्यों लोगों को मुफ्त में नहीं दे पा रहे, यही हम सवाल आपसे उठा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि फूड कॉरपोरेशन का जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया है राष्ट्रीय छोटा जो बचत का जो फंड है, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, वहां से लिया, क्योंकि आप अपना वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने नहीं चाहते। अब ये ऑफ बजट एक तरह से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बजट के बाहर कर रहे हैं। तो फूड कॉरपोरेशन की इंडिया का जो आर्थिक स्थिति, और सरकार इतना चावल गेहूं रहने का बावजूद भी ये क्यों वितरण नहीं कर रहे, क्यों लोगों को मुफ्त में नहीं दे रहे, ये हमारा दो सवाल है। तो ये सवाल का दो हिस्सा है, ये दोनों सवाल के जवाब एक तरह से जुड़ा हुआ है और इसमें हमें ये आर्थिक राजनीति को समझना थोड़ी जरूरी है। तो सरकार का हमेशा चिंता होती है कि जो फिस्कल डेफिसिट हम लोग कहते हैं, मतलब जितना सरकार का आय है उसके मुताबिक कितना खर्च कर रही है, कि उसको कम रखे। और उसको कम करने के लिए हमेशा सरकार खर्चा कम करने की बात करती है, कभी ये बात नहीं करती है कि अमीरों पे टैक्स किस तरह से बढ़ाया जाए ताकि हमारे इनकम ही बढ़े, वो भी एक तरीका हो सकता है डेफिसिट को कम रखने का। दूसरी बात ये है कि जो ये फिस्कल डेफिसिट, बहुत सारे अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि जब एक आर्थिक इकोनॉमी में डिमांड की कमी है, जैसे हमारे देश में अभी है, उस समय में ये फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बढ़ भी जाए तो इससे कोई उतना बड़ा समस्या नहीं। नॉर्मली फिस्कल डेफिसिट से डर क्या होता है कि अगर सरकार अपने आय से ज्यादा खर्च करती है तो दाम बढ़ जाएगी, लेकिन जब लोगों के पास कुछ खरीदने का पैसा है ही नहीं तो तब अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगी तो तब दाम नहीं बढ़ेगी, लोगों के हाथ में आय आएगा जिससे लोग खरीदी करेंगे, जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार फिस्कल डेफिसिट पर इतनी चिंता इसलिए करती है कि जो हमारी ये सब रैंकिंग निकलता है, ये मूडीज और वगैरह मार्केट का,
और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं ये लोग फिस्कल डेफिसिट से बड़े वैसे भी कम हो गया, ये सारे जो वैसे भी कम हो गया, रेटिंग एजेंसी सब तो कम ही कर दिया। बिल्कुल, लेकिन उस रेटिंग एजेंसी का चक्कर है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं आज के दिन। तो इसलिए सरकार पिछले कुछ सालों से क्या कर रही है कि FCI अनाज तो खरीद रही है, वो रोक भी नहीं पा रहे, इसलिए भी क्योंकि किसानों के तरफ से काफी विरोध और ये सब चल रहा था पिछले 3-4 साल में, चुनाव भी आई थी 2019 में, तो FCI से खरीदवा लिया। लेकिन अगर FCI जो किसान से खरीदती है अनाज, जब तक वो FCI के पास ही है वो सरकार के बजट में नहीं दिखती है, वो FCI के लॉस के रूप में दिखती है। जैसे ही उस अनाज को हम मुफ्त में या कम दाम में गरीबों को, लोगों को बांटते हैं, तब वो सरकार के बजट में दिखने लगती है और उससे फिस्कल डेफिसिट में भी उसका दिखता है। इस कारण से ये सरकार क्या कर रही है कि अनाज तो FCI उठा रही है लेकिन बांट नहीं रही है, तो FCI के लॉसेस बढ़ गए और FCI को बोला जा रहा है कि आप कर्जा लीजिए और उसको चलाइए, जिसके चलते FCI भी अब बहुत ज्यादा में डूबा हुआ है। और अभी भी ये दुख की बात है कि जब इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, एक तरफ महामारी है जैसे आपने कहा, दूसरे तरफ एक भूख की महामारी भी बढ़ रही है क्योंकि एक अनएम्प्लॉयमेंट भी क्राइसिस है, फिर भी हम लोग बांटना नहीं चाहते हैं। और ये नहीं बांटने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण है कि अकाउंटिंग के किताबों में वो FCI के लॉस से उठकर आ जाएगी भारत सरकार के सब्सिडी में और वो फिस्कल डेफिसिट में दिखेगी। इसमें मैं बस एक पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आपने याद दिलाया 1943 के फैमिन के बारे में, उसके बारे में अमर्त्य सेन पहले लिखे हैं कि जहां पे डेमोक्रेसी है और मीडिया, एक फ्री मीडिया है, वहां पे उस तरह की स्थिति नहीं आ सकती है क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, पब्लिक एक्शन होगी। और वो भी एक सोचने वाली बात है कि अब 100 मिलियन टन हमारे सरकार के गोदामों में बैठे हुए हैं, फिर भी उस तरह की पब्लिक एक्शन और मीडिया आउटरीच नहीं दिख रहा है हमारे आज के जो डेमोक्रेसी है। तो ये 10 करोड़ जो गेहूं है, 10 करोड़ टन जो गेहूं और चावल है, आपका कहना है इसको मुफ्त में वितरण करना बहुत जरूरी हो गया। और आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार को ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अभी खत्म होने वाले हैं और कुछ महीनों के लिए इसको सरकार को घोषणा करना चाहिए कि ये और क्या लगते हैं, और 3-4 महीना होना चाहिए, नहीं उससे भी ज्यादा होना चाहिए आप? अभी तो लग रहा है कि 6 महीना लगेंगे कम से कम चीजों को वापस थोड़ा ठीक होने में, कि लोग वापस अपने जगह आ जाए। और क्योंकि अनाज भी इतना है, इसमें एक और पॉइंट, आप अगर FCI के वेबसाइट में देखेंगे, सरकार के खुद के गोदाम और प्राइवेट से जो रेंट पे गोदाम लेते हैं वो सब मिलकर भी कुछ 75 मिलियन टन अनाज रख पाएंगे। तो 25 मिलियन टन ऐसे हैं जिनको रखने की भी जगह नहीं, तो उसको वितरण करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सर जाएंगे, नहीं तो सर जाएंगे। बिल्कुल जी। तो ये आपका दो मोटे मोटे बात है कि 3 महीना हो गया कम से कम, 3 महीना और या 6 महीना और? 6 महीना और। और आप ये भी कहना चाहिए ये जो PDS को कम करना, ये इस समय ऐसा बात करने का जरूरत नहीं है, या PDS को सबके लिए होना चाहिए, यूनिवर्सलाइज होना चाहिए। और सरकार इस समय वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, यही आपका मोटा मोटा कहना का बात है। बहुत सारे राज्यों में ये वित्तीय घाटा जो आप कह रहे हैं उसको लोग बढ़ा रहे हैं अभी जो स्थिति है उसमें, तो इसमें कोई नई बात नहीं। धन्यवाद दीपा जी, आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को सरल भाषा में समझाया आज का क्या खाद्य सुरक्षा का क्या स्थिति है, सरकार का क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक।